लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तकनीक समय के साथ बदलती रहती है, हर दिन नए नए आविष्कारों के साथ पुराने इन्वेंशंस में भी बदलाव आते रहते हैं। आज जिन कंप्यूटर्स या फोन्स को हम यूज करते हैं वो शुरुआती दौर में ऐसे ही नजर नहीं आते थे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शुरुआती दौर में कैसी दिखती थी ये जरूरती चीजें। तस्वीर में दिख रही मेटल से बनी ये चीज बाहरी दुनिया से नहीं लाई गई है, ये सनग्लास है। जी हाँ, सूरज की रोशनी से बचने के लिए पहले के जमाने में लोग इसे ही पहनते थे। इसे पहनने के बाद सामने की कोई भी चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उस समय लोग इसे ही इस्तेमाल करते थे। समय के साथ आए बदलावों के बाद सनग्लासेज में मेटल की जगह कांच या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होने लगा। कई सालों पहले न्यू गिनिया में लोग ऐसे अंडरवेयर्स पहना करते थे, इससे सिर्फ आगे का पोर्शन ढंका रहता था। पहले जमाने में ऐसे हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता था, इनमें गर्म पानी भर बालों के आसपास लपेटा जाता था। ये अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई की तस्वीर है। मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद अब इसके शेप और यूज में फर्क आ गया है। ये तस्वीर 1620 में यूज होने वाली टूथपिक की है। इसका इस्तेमाल दांतों की सफाई के लिए किया जाता था। इस कैमरे का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय होता था। कबूतर इन्हें लेकर दुश्मनों के ऊपर से गुजरते थे। इसके जरिए पता किया जाता था कि दुश्मन कितने शक्तिशाली हैं। पहले जमाने में इस तरह के चम्मचों से भालू को खाना खिलाया जाता था, लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई भला भालू को चम्मच से खाना क्यों खिलाएगा।